मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने आर्य कॉलोनी से एक 25 वर्षीय व्यक्ति को जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें अपलोड करने की धमकी देकर महिलाओं से जबरन वसूली करता था। पता चला कि आरोपी एक टिकटॉक स्टार भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम पुखराज देवास उर्फ राजवीर से है, जो राजस्थान का रहने वाला है। आरोपी राजस्थानी महिलाओं महलों के भीतर अपनी सैकड़ों तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था और खुद को राजस्थान का शाही खानदान का बताकर महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। तो गोरेगांव में रहने वाली शिकायतकर्ता 30 वर्षीय विवाहिता इस जाल में फंस गई थी और आरोपी को पैसे देने से मना किया तो आरोपी ने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। गोरेगांव पुलिस ने बताया कि बदनामी के डर से शिकायतकर्ता ने आरोपी को 4 लाख रुपये से अधिक रुपए दे दिए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को आईपीसी और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने बताया कि आरोपी देवासी को जुहू पुलिस ने पिछले साल इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया था और हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था और अब तक 50 से ज़्यादा महिलाओं को ब्लैकमेल कर चुका है। वह युवा महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, वहीं उसके फरेब के जाल में कई महिलाएं फंस जाती और उसे शाही मानते हुए स्वीकार कर लेती थी। वह पीड़ितों से दोस्ती करने के बाद उनसे प्यार करने का दावा करता था और निजी तस्वीरों का अनुरोध करता था, जिसका इस्तेमाल वह जबरन वसूली के लिए करता था। केस दर्ज किया था कि उनके पहचान का एक पुखराज देवासी उर्फ राजवीर सिंह जो उनको एक्सटॉर्शन कर रहा है लास्ट 1 ईयर से और उनको मारने की धमकी दे रहा है, उनके 8 साल के बच्चे को मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट किया। तो हम लोगों ने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। छानबीन में उस आरोपी को रॉयल पॉम्प होटल से टेक्निकल हेल्प से अरेस्ट कर दिया। उसमें ऐसा मालूम होगा कि ये इंस्टाग्राम पे अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना आईडी ओपन करके ये राजस्थान के राजघराने का है ऐसा दिखा के अपने फेसबुक को अपने को शो कर रहा था।